हेलो गाइस, वेलकम बैक। राम राम सभी को। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। भाई, सेकेंड हैंड कार्स का जितना क्रेज़ इंडिया में है शायद ही और कहीं पे होगा, और उसके साथ साथ अगर फ्रॉड केसेस की भी बात करें वो भी इंडिया में अपराइट बिल्कुल हाई है। तो इसी बीच में आज आपके लिए ना कुछ एक हटके एक वीडियो लेके आए हैं स्पेशली मीटर टैंपिंग के लिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि गाड़ी का मीटर बैक किसी ने करवाया है या नहीं, और आप सभी भी इस फ्रॉड से बच सके। तो वीडियो के लिए बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, आपको दिखाते हैं। अभी आपने देखा कि अप्रोक्स 2 लाख किलोमीटर के आसपास में ये गाड़ी चली हुई है। ये गाड़ी है बेलिनो 2019 मॉडल, ठीक है, और डीजल कार है ये, टॉप वेरिएंट। और आज आपको दिखाते हैं कि इसका मीटर कैसे बैक होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके ग्लास को उतार के इसको प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे, ताकि किसी को पता ना चले कि ये कभी खोला भी था। दिस इज़ द फर्स्ट एंड ऑल मेजर स्टेप। उसके बाद जो इसके निडल्स को निकालेंगे, निडल्स को निकालने के लिए बिल्कुल सावधानी से निकालना पड़ता है, क्योंकि एक बार एक क्लिपर से अगर हट जाती है तो वापस में लगाने में भाई बड़ी समस्या आएगी। तो ये देख रहे हैं भाई, ऐसे करके इन्होंने निडल्स को निकाल दिया है। ऑलमोस्ट 4 निडल्स थे इसमें। और उसके बाद इसके बैक पैनल को निकालेंगे फॉर फर्दर डिटेलिंग। अब डिटेलिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो भी आपको आगे पता चलेगा क्या है। ये देखिए भाई, दोनों OVRM को और जो मेन इसका गैजेट है, इसकी मोटर जिसमें सारा कुछ दिखता है, उसको निकाल दिया भाई पैनल को। और अब जो ये करेंगे, इसमें लगाएंगे भाई, अगर हिंदी में बात करें तो टाके, ठीक है। ये देखिए भाई, इन्होंने तार जोड़ दिए हैं। दिस इज़ द मेन टेम्परिंग प्रोसेस। अब ये अपनी सेटिंग्स के साथ साथ, मैं आपको थोड़ा हाइपरलैप्स में दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस था, अप्रॉक्स 1 घंटा लग गया था इसमें। ये सारी भाई कोडिंग लैंग्वेज है हर एक कार की, वेदर इट इज़ हुंडई, होंडा, मारुति एंड व्हाटसो एवर, उसका अलग अलग प्रोसेस होता है। कोडिंग में कहीं किसी तरह से कुछ डर भाई रह जाती है ना भाई, वहीं पे सारा काम खराब हो जाता है। अब देखो, इन्होंने वापस में जो कोडिंग वगैरह करके सब साफ साफ सफाई करके बिल्कुल से सेट कर दिया है, और निडल्स को अभी दोबारा लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसको पैकिंग का टाइम हो गया भाई, अपना भी पैक कर दिया उन्होंने और ये OVRM भी पैक कर दिया भाई। अब देखो ये निडल्स की सेटिंग कैसे करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है भाई मेन ट्विस्ट, क्योंकि अगर कोई डंका आदमी है जिसको गाड़ी की नॉलेज है, वो यहाँ से इन चीज़ों को पकड़ सकता है भाई। तो निडल सेट करना इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ दिस मीटर टेम्परिंग। उसके बाद इसको गाड़ी में लगा के देख रहे हैं भाई कि निडल कितनी मूवमेंट कर रहा है। अगर ज़्यादा कर रहा है तो वही सामने वाला बिल्कुल सोचेगा। आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 0 के पास जो निडल था, ये बिल्कुल हिला है। और अभी आप इसको ध्यान से देखिएगा, 1, यस, अगेन, ये दोबारा हिली है। तो इसको 0 से और नीचे लेके जाएंगे, ताकि जब ये हिले तो इसका लेवल 0 से अप ना रहे। ये दोबारा मूवमेंट हुई, ये देखिए, ठीक है। अगर किसी को पता लगाना है, दिस इज़ द मेन प्रोसेस भाई। यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि आपके मीटर के साथ छेड़खानी हुई या नहीं हुई। ये गाड़ी को 2.5 लाख चला रखा और बता रखा कि गाड़ी रन है 60,000 पे। अब भाई सुई बिल्कुल सेट हो गई है इसकी, OVRM की पैकिंग, म्यूजिक सिस्टम की पैकिंग, जैसे कि बिल्कुल पता है। बीच भाई एक स्पेशल टेक्निक तो आपको बताना भूल ही गया, क्या करते हैं कि जैसे मान लो इस गाड़ी की लास्ट सर्विस कंपनी के थ्रू हुई थी 50,000 किलोमीटर पे, उसके बाद इन्होंने गाड़ी को रन किया 1 लाख किलोमीटर और सर्विस इसकी कराई है बाहर। अब बाहर जब सर्विस करवाई है तो रन तो कर लिया, कंपनी सर्विस रिकॉर्ड से पता करेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि लास्ट 50,000 पे करवा रखी है। अब क्या करते हैं कि इसका गाड़ी का जो है मीटर करवा लेते हैं बैक, और बैक करवा के फिर वहीं पे 60-70,000 रुपये लगा के फिर इसके बाद इसकी दोबारा करवा देते हैं कंपनी से सर्विस, ताकि जो है गाड़ी चढ़ जाए कंपनी रिकॉर्ड पे। अब आपको दिखाता हूँ भाई इसके निडल्स कैसे शेक हो रही है और कैसे पता लगेगा, ठीक है। ये एक बार नोट करना आप, 1, 2। अब मैं इसका बटन जो है पुश करने जा रहा हूँ, ये देखो भाई हल्का सा ब्लिंक किया 0 के पास में। अब इन्होंने क्या किया था, 0 से काफ़ी नीचे निडल लेके गए थे ताकि पता ना लगे। दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये देखो दोबारा शेक हुआ। तो भाई ऐसे आप पता लगा सकते हैं गाड़ी का। और ये गाड़ी चल रही थी 2 लाख पे, आप देखो ये कितना पहुंच गया, इट इज़ 65,183। वीडियो बनाई थी भाई फॉर नॉलेज पर्पज़, प्लीज़ इसको ध्यान दे और आपके साथ दुर्घटना होने से बचें।